एम्बुलेंस मंगाओ, एस्कॉर्ट मंगाओ, एयरफोर्स का एस्कॉर्ट। हम समझ सकते हैं वैध है तो यहाँ पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? प्रश्न यही है कि अगर आपका दावा सही है तो पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? पटना में रजिस्ट्री पर रोक है तो कुछ लोग कोलकाता, मुंबई और हाजीपुर से रजिस्ट्री कराते थे। अरे हम चल रहे हैं, हम लोग मेरा बात सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर काम चलता रहे, सर जल्दी चला जाए, मोर्चा संभाला था, इन्हें रास्ता दिया जाए, उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोगों को भी अभी एक दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि हम कोलकाता से जाकर रजिस्ट्री करवाए हैं। यहाँ ये अगर वैध है तो यहाँ पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? प्रश्न यही है कि अगर आपका दावा सही है तो पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? पटना में रजिस्ट्री पर रोक है तो कुछ लोग कोलकाता, मुंबई और हाजीपुर से रजिस्ट्री कराते थे, जब उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया तो अपना गृह निर्माण समिति बना के इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसमें अपना म्यूटेशन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्थापित किए हुए हैं, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर में लगातार कार्रवाइयां जारी है और घर तोड़ने की शिकायतें वहां पर लोग कर रहे हैं जो वहां के लोग हैं, मगर डीएम का कहना है, जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं पटना के, और उनका कहना है कि यहां अगर यह वैध था तो फिर यहां रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। साथ ही जिस प्रकार से एसपी के ऊपर, सिटी एसपी के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरह से वह खून से लथपथ नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद जो मामला और आगे बढ़ा, पुलिस पूरी उत्तेजना में आ गई, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर भी ईंट पत्थर से हमला किया गया है, उनका यह शिकायत है, उसी के साथ ही वहां के लोगों की भी यह शिकायत है कि पुलिस ने भी बर्बरतापूर्वक हमारे ऊपर हमला बोला, तब हमने यह एक्शन लिया, मगर जिस प्रकार से वहाँ पर अभी कार्रवाइयाँ चल रही है और जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही है, लगातार प्रशासन के लगभग हजारों पुलिसकर्मी लगातार वहां पर मौजूद हैं, उसके बाद जिस प्रकार से सिटी एसपी के ऊपर बीते 24 घंटा पहले जिस प्रकार से हमला हुआ, उसके बाद फिर डीएम साहब ने जो बातें कही, पटना के डीएम ने, कि आखिर कलकत्ता और अन्य जगहों पर क्यों इसकी रजिस्ट्री की जा रही थी या उसे लिखवाया जा रहा था, इन ज़मीनों को ये अवैध था, जो प्रशासनिक अधिकारी का कहना था, मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि अवैध था तो फिर यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ें, सुविधाएं क्यों मुहैया कराई गई। और सबसे बड़ी बात राजीव नगर थाना के ऊपर उठ रही है कि राजीव नगर थाना पैसे लेकर क्यों घर बनवाती रही, अगर ये अवैध था तो आज ऐसा स्थिति नहीं आता। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ी कर रही है। और जिस प्रकार से जेसीबी लगातार दिख रहा होगा, लगातार हम नेपाली नगर का कवरेज कर रहे हैं, आप तमाम खबरों में बने रहिए, इसी प्रकार से मैं रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत, धन्यवाद।